हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जोधपुरी कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए इस मेज़रमेंट कप से 2 कप मैदा लिया है, ये करीब 1/2 किलो है। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हो। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, अजवाइन को हाथ से थोड़ा मसल के ऐड कर देंगे। कचौरी जब हम फ्राई करते हैं तो काफ़ी हैवी होती है, तो अजवाइन डाइजेशन का काम करता है। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें 1/4 मेजरमेंट कप से ऑयल डालेंगे। ऑयल या आप घी भी डाल सकते हो और इसको अच्छी तरह गोंद लेंगे। और इस गोंदने के प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। इससे जब कचौरी बनेगी क्रिस्पी बनेगी। मैदा को तेल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हो ये जैसे लड्डू जैसे बन रहे हैं, मीन्स ये परफेक्ट है। इससे जब कचौरी निकलेगी एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और जैसे चपाती के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदना है। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये एकदम पतला हो जाएगा। तो जैसे ज़रूरत पड़े उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसलना है। डो अच्छी तरह लगा दिया है और डो का जो टेक्सचर है आप देख सकते हो सॉफ्ट रहना चाहिए। सॉफ्ट से क्या होगा, जब कचौरी बनाएंगे तो स्टफिंग इजीली हो जाएगी और कचौरी फटेगी नहीं। अगर डो टाइट रहेगा तो कचौरी फटने का डर रहेगा। अगर आपका डो गीला हो जाता है तो आप इसके अंदर ऑल मैदा मिला के टाइट कर सकते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 1/3-1/4 कप पानी यूज़ हुआ है। अब मैं गीले कपड़े से ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक कचौरी की स्टफिंग बनाएंगे। पैन में 1 चम्मच होल जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंफ, इन तीनों को धीमी आंच पे सौते करेंगे करीब 1 से 2 मिनट के लिए। ये खड़े मसाले जलने नहीं चाहिए। जब हल्की सी औरामा यानी हल्की सी सुनहरी खुशबू आए तब इसको गैस बंद करके निकाल देंगे। अब सुनहरी खुशबू आने लगी है, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और दूसरी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। खड़ा मसाला ठंडा हो गया है, अब मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लेंगे। ये खड़ा मसाला पीस लिया है, आप देख सकते हो ये दरदरापन है तो इससे अच्छा अरोमा आएगा। गैस ऑन कर दिया है, फ्लेम को मीडियम रखना है। इसमें करीब 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल अब गर्म हो गया है, अब इसके अंदर जो खड़ा मसाला था वो इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सौते करेंगे। हल्का ऑयल में पकाने से खड़े मसाले का बहुत अच्छा अरोमा आएगा, यानी बहुत अच्छा खुशबू आएगी। अब इसके अंदर पिंच ऑफ हींग डालेंगे। और 1 चॉप किया हुआ जिंजर, 2 फ्लेम पे सौते करेंगे। अब इसके अंदर 2 ग्रीन चिली चॉप की हुई ग्रीन चिली, हल्का सा इसको भी सौते करेंगे। अब इसमें 2 स्पून बेसन ऐड करेंगे और अच्छी तरह बेसन को पका लेंगे। बेसन से जो स्टफिंग बनेगी उसका एक तो अरोमा अच्छा आएगा और बाइंडिंग में भी काम करेगी।
अब इसके अंदर पांच मैंने जो अनियन चॉप किए हुए थे मीन्स थोड़े बड़े बड़े वो अनियन करेंगे और अनियन को सौते करेंगे। अनियन की क्वांटिटी यानी प्याज ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन जब सौते होंगे तो ये कम हो जाएंगे। अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। सॉल्ट आपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सॉल्ट डालने से जो प्याज के अंदर पानी होगा वो पानी पूरा छोड़ देगा और अच्छी तरह सौते भी हो जाएगा ताकि जो स्टफिंग बने वो एकदम गीली नहीं रहेगी। अब इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1 स्पून चिली पाउडर और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें एक आलू बॉईल किया हुआ और मैंने हाथ से क्रश कर लिया है तो इसको ऐड करेंगे। आलू भी प्याज कचौरी के अंदर अच्छी तरह एक टेस्ट देता है और बाइंडिंग का भी काम करता है तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/4 स्पून गरम मसाला और 1 लेमन का लेमन जूस निकाला हुआ। अगर लेमन नहीं है तो अमचूर भी यूज़ कर सकते हो नहीं तो आप लेमन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी डालूँगा। चीनी से क्या होगा, जब आलू और बेसन की वजह से प्याज का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा तो चीनी से प्याज का फ्लेवर आएगा तो उसमें ये हेल्प करेगा। अब अच्छी तरह करीब 1 मिनट और पका देंगे तो हमारा ये स्टफिंग रेडी है। और इसमें सॉल्ट या स्पाइसी आपको कम ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। मसाला अच्छी तरह पक चुका है और अच्छी तरह मिक्स हो गया, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया बाइंडिंग हो गई आलू और बेसन से। और अब इसके अंदर चॉप किया हुआ थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करके गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। कचौरी का मसाला अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब पेड़े बना लेंगे ताकि जब स्टफिंग करेंगे तब इजी रहेगा। पेड़े आप कचौरी आप बड़ी बनाना चाहते हो तो बड़े पेड़े बना दीजिए, अगर आप छोटी बनाना चाहते हो तो छोटे पेड़े बना लीजिए। तो इस प्रकार सारे पेड़े बना लेंगे। मसाला के सारे पेड़े बना लिए हैं, अब कचौरी बनाएंगे। अब कपड़ा हटा लेंगे और इस पर थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाऊंगा ताकि आसानी हो। तो अब डो को हल्का सा अच्छा सा सेप देते हैं और गोल गोल पेड़े बनाएंगे कचौरी के। अब इन पेड़ों को अच्छी तरह राउंड शेप दे देंगे। सारे पेड़े राउंड बना लेंगे। और अब इनके अंदर स्टफिंग भरेंगे। पेड़ों को ऐसे अच्छी तरह मसल लेंगे। और हाथ से ऐसे बीच से प्रेस करते हुए कॉर्नर से दबाते हुए कटोरी शेप में बनाना है। आप चाहो तो हाथ से बेल भी सकते हो। अब मसाला अंदर डालेंगे और ऊपर से ऐसे खींचते हुए बंद करेंगे अच्छी तरह और हाथ के साथ ऐसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसको मसाले को बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। अब इसको प्रेस करके हल्का सा साइड से और बीच में प्रेस करके तो इस प्रकार सारी कचौरी बनानी है। अगर आपको बड़ी बनानी है तो स्टफिंग भी ज़्यादा लेनी है और पेड़ा भी बड़ा करना है। सारी कचौरी इस प्रकार बनानी है। सारी कचौरी स्टफिंग करके तैयार कर दी है, अब फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल को एक बार गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब 8 से 10 सेकंड के लिए गर्म तेल में
कचौरी को फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी आए। आप देख सकते हो इस तरह से जो ऊपर से दाने दाने आ गए बबलिंग से, अब इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। इसी प्रकार सारी कचौरीज को फ्राई करना है। सारी कचौरीज गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर दी है। अब गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब एक एक करके कचौरी फ्राई करेंगे। ऑयल अगर आप गर्म है ठंडा करना चाहते हो तो उसके अंदर आप ऑयल ऐड करके भी ठंडा कर सकते हो और गैस स्विच ऑफ करके भी ठंडा कर सकते हो। तो अभी एक एक करके धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए कचौरी को अच्छी तरह पकाएंगे। मेरे पास कढ़ाई छोटी है तो मैं एक एक या दो दो डाल के फ्राई करूँगा। अगर बड़ी है तो आप एक साथ डाल के फ्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कचौरी पकनी शुरू होती है, तेल के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, तो इसमें थोड़ा स्पेस है तो एक कचौरी में और इसमें ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हो कचौरियाँ बहुत बढ़िया फूल रही है। तो इनको इस प्रकार सारी कचौरी को फ्राई करना है और बीच बीच में पलटते रहना है। जोधपुर की प्याज की कचौरी बहुत ही फेमस है, तो जब भी आपका खाने का मन करे आप घर पे आराम से बना सकते हो। सारी कचौरी अच्छी तरह पक चुकी है। अब इनको बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हो सो नाइस कलर, सो क्रिस्पी। अब मैं दूसरा बैच फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। सारी कचौरी अच्छी तरह फ्राई कर ली है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारी कचौरीज को बाहर निकाल देंगे। जोधपुरी प्याज की कचौरी रेडी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।